नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का हमारा सर्ग है अष्ट पंचाशः सर्ग अर्थात 58वां सर्ग अरण्यकांड से ही। और इस सर्ग में भी है श्री राम का मार्ग में अनेक प्रकार की आशंका करते हुए लक्ष्मण सहित आश्रम में आना और वहाँ सीता को न पाकर व्यथित हो जाना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सदृष्ट्वा लक्ष्मणं दीनं शून्यं दशरथात्मजः पर्यपृच्छत् धर्मात्मा वैदेही मागतं विना प्रस्थितं दण्डकारण्यं यामामनुजगामः क्वासा लक्ष्मण वैदेही याम हित्वा त्वमिहागतः राजभ्रष्टस्य दीनस्य दण्डकान् परिधावतः क्वासा दुःख सहाया मे वैदेही तनुमध्यमा यां विना नोत्सहे वीरमुहूर्तमपि जीवितुं क्व सा प्राणसहाया मे सीतासुरसुतोपमा पतित्वं मराणां हि पृथिव्याश्चापि पतित्वं मराणां हि पृथिव्याश्चापि लक्ष्मणः विनातां तपनीयाभां नेच्छेयं जनकात्मजाम्। लक्ष्मण को दीन संतोष शून्य तथा सीता को साथ लिए बिना आया देख धर्मात्मा दशरथ नंदन श्री राम ने उनसे पूछा। लक्ष्मण जो दंडकारण्य की ओर प्रस्थित होने पर अयोध्या से मेरे पीछे पीछे चली आई तथा जिसे तुम अकेली छोड़कर यहाँ आ गए वह विदेह राजकुमारी सीता इस समय कहाँ है? मैं राज्य से भ्रष्ट और दीन होकर दंडकारण्य में चक्कर लगा रहा हूँ। इस दुख में मेरी सहायिका हुई है जो वह तनु मध्यमा यानी सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली वो विदेह राजकुमारी कहाँ है? हे वीर जिसके बिना मैं दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता तथा जो मेरे प्राणों की सहचरी है वह देव कन्या के समान सुंदरी सीता इस समय कहाँ है? उत्तर दो। हे लक्ष्मण तपाए हुए सोने के समान कांति वाली जनक नंदिनी सीता के बिना मैं पृथ्वी का राज्य और देवताओं का आधिपत्य भी नहीं चाहता। कच्चित् जीवति वैदेही प्राणैः प्रियतरा मम कच्चित् प्रव्राजनं वीरनामे मिथ्या भविष्यति सीता निमित्तं सौमित्रे मृते मयि गते त्वयि कच्चित् सकामा कैकेयी सुखिता सा भविष्यति सपुत्र राजां सिद्धार्थां मृतपुत्रा तपस्विनी उपस्थास्यति कौसल्या कच्चित् सौम्येन कैकेयीम् यदि जीवति वैदेही गमिष्याम्याश्रमं पुनः संवृत्ता यदि वृत्ता सा प्राणास्तक्ष्यामि लक्ष्मण यदि मामाश्रम गतम वैदेही नाभिभाषते पुरः प्रहसिता सीता विनशिष्यामि लक्ष्मण। आगे कहते हैं राम लक्ष्मण से, हे वीर जो मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है वह विदेह राजकुमारी सीता क्या आप जीवित होगी? मेरा वन में आना सीता को खो देने के कारण व्यर्थ तो नहीं हो जाएगा? ये सुमित्रानंदन सीता के नष्ट हो जाने के कारण जब मैं मर जाऊंगा और तुम अकेले ही अयोध्या को लौटोगे उस समय क्या माता कैकेयी
सफल मनोरथ होंगी, सुखी होंगी। जिसका इकलौता पुत्र मैं मर जाऊंगा, वह तपस्विनी माता कौशल्या क्या पुत्र और राज्य से संपन्न तथा कृत कृत्य हुई कहके इसकी सेवा में विनीत भाव से उपस्थित होंगी। हे लक्ष्मण, यदि विदेह नंदिनी सीता जीवित होगी तभी मैं फिर आश्रम में पैर रखूंगा। यदि सदाचार परायणा मैथिली मर गई होगी तो मैं भी प्राणों का परित्याग कर दूंगा। हे लक्ष्मण, यदि आश्रम में जाने पर विदेह राजकुमारी सीता हंसते हुए मुख से सामने आकर मुझसे बात नहीं करेंगी तो मैं कदापि जीवित नहीं रहूंगा। ब्रूहि लक्ष्मण वैदेही यदि जीवत वा नवा त्वयि प्रमत्ते रक्षोभिर्भक्षिता वा तपस्विनी सुकुमारी च बाला च नित्यम चा दुख भागिनी मत्वियोगेन वैदेही व्यक्तम शोचत दुर्मनाह सर्वथा रक्षसातेन जिव्येन सुदुरात्मना वदता लक्ष्मणेत्युच्चैस्तवापि जनितं भयम् श्रुतश्च मन्ये वैदेह्यास स्वरः सदृशो मम त्रस्तया प्रेषितस्त्वं च द्रष्टुं मां शीघ्रमागतः सर्वथा तु कृतं कष्टं सीतामुत्सृजता वने प्रतिकर्तुं नृशंसानां रक्षसां दत्तमंतरम। राम बहुत दुखी हैं, बार बार प्रश्न कर रहे हैं लक्ष्मण से। कहते हैं, लक्ष्मण बोलो तो सही, वैदेही जीवित है या नहीं? तुम्हारे असावधान होने के कारण राक्षस उस तपस्विनी को खा तो नहीं गए? जो सुकुमारी है, बाला है, भोली भाली है तथा जिसके वनवास के पहले दुख का अनुभव नहीं किया था कभी, वह वैदेही आज मेरे वियोग से व्यथित चित्त होकर अवश्य ही शोक कर रही होगी। उस कुटिल एवं दुरात्मा राक्षस ने उच्च स्वर से हाँ लक्ष्मण ऐसा पुकार कर तुम्हारे मन में भी सर्वथा भय उत्पन्न कर दिया। जान पड़ता है वैदेही ने भी मेरे स्वर से मिलता जुलता उस राक्षस का स्वर सुन लिया और भयभीत होकर तुम्हें भेज दिया और तुम भी शीघ्र ही मुझे देखने के लिए चले आए। जो भी हो, तुमने वन में सीता को अकेली छोड़कर अच्छा नहीं किया, सर्वथा दुखद कार्य कर डाला है लक्ष्मण। उन क्रूर कर्म करने वाले राक्षसों को बदला लेने का एक अवसर दे दिया है। दुखिता खर घाते न राक्षसा पिशिताशना तैह सीता निहता घोरैर भविष्यति न संशयः अहो अस्मि व्यसने मग्नः सर्वथा रिपुनाशन किं त्विदानीं करिष्यामि शंके प्राप्त वयमीदृशम् इति सीतां वरारोहाम् चिंतयन्नेव राघवः आजगाम जनस्थानम् त्वरया सह लक्ष्मणः विगर्ह मानो अनुज मातृरूपम् क्षुधाश्रमेणैव पिपासया च विनिःश्वसन शुष्कमुखो विषण्णः प्रतिश्रयम् प्राप्य समीक्ष्य शून्यम् स्वमाश्रमम् स प्रविग्राह्य वीरो विहार देशाननुसृत्य कांश्चित् एतत् तदित्येव निवास भूमौ प्रहृष्ट रोमा व्यथितो बभूव। लक्ष्मण से राम कह रहे हैं कि इस प्रकार सीता को तुमने अकेले छोड़ आश्रम में उन राक्षसों को बदला लेने का अवसर दे दिया है। वो मांस भक्षी निशाचर
मेरे हाथों खर के मारे जाने से बहुत दुखी थे। उन घोर राक्षसों ने सीता को मार डाला होगा, मुझे इसमें कोई संशय नहीं दिखाई दे रहा। मैं सर्वथा संकट के समुद्र में डूब गया हूँ लक्ष्मण, ऐसे दुख का अवश्य ही अनुभव करना पड़ेगा मुझे, ऐसी शंका हो रही है, अतः अब मैं क्या करूँ तुम ही बताओ। इस प्रकार सुंदरी सीता के विषय में चिंता करते हुए ही लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी तुरंत जनस्थान में आ गए। अपने दुखी अनुज लक्ष्मण को कोसते एवं भूख प्यास तथा परिश्रम से लंबी सांस खींचते हुए सूखे मुंह वाले श्री रामचंद्र जी आश्रम के निकटवर्ती स्थान पर आकर उसे सूना देख विषाद में डूब गए। श्री राम ने आश्रम में प्रवेश करके उसे भी सूना देखा, कुछ ऐसे स्थलों में अनुसंधान किया, खोजा सीता को जो सीता के विहार स्थान थे, लेकिन कहीं भी उन्हें न पाया। उन सब स्थानों को देखा जहाँ सीता के साथ उन्होंने विहरण किया था, उन्हें स्मरण करके उनके शरीर में रोमांच हो आया, लेकिन किसी भी स्थान पर सीता को न पाकर वे व्यथा से और अधिक पीड़ित हो गए, विलाप करने लगे। तो यहाँ पर श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में हम 58वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे अष्टपञ्चाशः सर्गः। ओम श्री सीता राम चंद्राभ्याम नमः।